माध्यम से पढ़कर नई जगहों पर चयन पा रहे हैं, जिससे हमारे समाज के गरीब बच्चों का उद्धार हो रहा है। गूगल जादू का पिटारा है, हम होते गूगल। हम गूगल पर जहाँ चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें अनेक प्रकार की विभिन्न तरीके की जानकारी पा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसके सदुपयोग और दुरुपयोग का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? कई बच्चों को हम अलग अलग जगह पर जैसे सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक वीडियोज और फोटोज देखते हुए पा सकते हैं, लेकिन कई लोग इनका दुरुपयोग करते हैं। महोदय, मैं आपके और अपने साथी की संज्ञान में लाना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए टैब वितरित किए हैं, और मैं अपने साथी को बताना चाहूंगी कि सरकार की हर नीति व्यवस्थित अनुसंधान पर आधारित होती है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का आदर करती हूँ, लेकिन उनका टैब वितरित करना एक सही विकल्प है। परंतु क्या आपको पता है बच्चे इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, इनमें सोशल साइट चला रहे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और इन्हें चलाकर गलत राह पर जा रहे हैं। महोदय, आज हमारे समाज के उद्योग जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, टीवीयों में, अखबारों में अपने ऐड नहीं दे पा रहे, वो इंटरनेट के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। हम कई सोशल साइट्स पर उत्पाद देखते हैं, लेकिन उत्पादकों को बेचने के बाद उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, जिससे वे पैसे ठग लेते हैं और हमें नकली माल उपलब्ध करवा कर हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं, जिससे हम जैसे उत्पादकों वालों का भरोसा टूटता जा रहा है और उनका विश्वास जगमगा रहा है। महोदय, मैं अपने साथी से बताना चाहूँगी कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हम किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा किसी भी खेल में अगर कोई हमारे किसी भी खेल में अगर कोई रुचि है